रातपुर कॉलोनी पिंजौर में एक बार फिर से ऑनलाइन धोखाधड़ी से बैंक अकाउंट से 71,000 रुपये निकाले गए। पिंजौर पुलिस को दी लिखित शिकायत। रातपुर कॉलोनी पिंजौर के निवासी फोटोग्राफर जितेंद्र कुमार के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी से 71,000 रुपये उसके बैंक अकाउंट से निकाले जाने की खबर है, जिसकी शिकायत रातपुर कॉलोनी पिंजौर निवासी जितेंद्र कुमार ने पिंजौर पुलिस को दी है। पिंजौर पुलिस को दी शिकायत उसके बाद जितेंद्र कुमार ने मीडियाकर्मी से बात करते हुए बताया कि एक्सिस बैंक में उनका बैंक अकाउंट है और इस अकाउंट को उन्होंने पेटीएम के साथ जोड़ रखा है। जितेंद्र कुमार का कहना है कि पेटीएम से 1,000 रुपये उसके बैंक अकाउंट से आए थे, जिसे वह बंद करवाना चाहते थे। जितेंद्र ने इस दौरान ऑनलाइन गूगल से कस्टमर केयर का नंबर लिया, जिसमें उसे एक व्यक्ति ने एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करने को कहा तो और एटीएम कार्ड की भी स्कैनिंग कॉपी मंगवाई। इसके बाद ऑनलाइन कस्टमर केयर ने के उस व्यक्ति ने जो कहा जितेंद्र कुमार वही करते चले गए। इस दौरान जितेंद्र कुमार के बैंक अकाउंट से 50,000 रुपये पहली बार निकाले गए, लेकिन वह समझ नहीं पाए थे, तो दूसरी बार 20,000 रुपये निकाले गए। वहीं तीसरी बार 1,000 रुपये निकाल लिए गए। कुल 71,000 रुपयों की राशि उसके बैंक अकाउंट से कट गई। जितेंद्र कुमार ने बताया कि कस्टमर केयर के इस फ्रॉड कॉल में बैठे व्यक्ति ने कहा कि उनका ये पैसा होल्ड पर है और जल्द ही मिल जाएगा। फिर उन्होंने चौथी बार 50,000 रुपये निकालने के लिए ओके का बटन दबाने को कहा तो जितेंद्र कुमार समझ गए कि उनके साथ फ्रॉड हो गया है। लेकिन इस होशियारी से जितेंद्र कुमार ने बताया कि उनके 50,000 रुपयों की और अन्य राशि बच गई, वरना और ज़्यादा नुकसान हो सकता था। जिसके बाद कस्टमर केयर का नंबर दोबारा नहीं मिला, वह बंद आ रहा है। जितेंद्र कुमार ने बताया कि उसे फ्रॉड होने या धोखाधड़ी होने का ख्याल काफ़ी देर बाद आया, जब 71,000 रुपये उसके बैंक अकाउंट से निकल गए। जितेंद्र कुमार ने उसके साथ ऑनलाइन 71,000 रुपयों की हुई धोखाधड़ी की लिखित शिकायत पिंजौर थाने में दी है। साथ ही इसकी लिखित शिकायत एक्सिस बैंक रतपुर कॉलोनी के मैनेजर को भी दी गई है। जितेंद्र कुमार ने पुलिस प्रशासन से उनकी धोखाधड़ी से बैंक अकाउंट से 71,000 रुपयों की राशि चली गई रकम दिलवाने और धोखाधड़ी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल शिकायत पिंजौर पुलिस के पास है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरा मतलब एक्सिस बैंक में अकाउंट है। मेरे को जो प्रॉब्लम थी कि मेरे एक्सिस बैंक के अकाउंट से पेटीएम के अकाउंट में ऑटोमेटिकली 1,000 रुपये आ रहे थे, जिसको मैं बंद करवाना चाहता था। मैंने गूगल से कस्टमर केयर का नंबर सर्च करते हुए पाया कि मेरे को एक फ्रॉड नंबर मिला वहाँ से, और जो मेरे उनसे बात हुई, उन्होंने मेरे से कोई ऐप एनी डेस्क नाम से ऐप डाउनलोड करवाई। उसके बाद वो जैसे मेरे को कहते रहे मैं करता रहा, और उन्होंने मेरे से एटीएम भी स्कैन करवाया, और उसके बाद मेरे अकाउंट से 50,000 रुपया निकल गया। जब मैंने उसके बारे में जानकारी ली उनसे तो वो बोल रहे पैसा होल्ड पे है। ऐसे करके उन्होंने मेरे अकाउंट से 71,000 रुपये निकाल लिए। तो 50,000 रुपये का वो मेरे फ़ोन पे से निकालना चाहते थे, जब तक मैं समझ गया था कि ये फ्रॉड है। तो वो मेरे पैसे बच गए, मेरे अकाउंट से 71,000 रुपये निकल चुके हैं, और मैंने थाना पिंजौर में इसकी एप्लीकेशन दे दी है और बैंक में भी दे आया हूँ। वो मेरे को उचित कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। अतः मेरी पुलिस विभाग से दरख्वास्त है कि इस पे जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाए।